लिटरली आपने होने के बाद डब्ल्यूसीसी के इतना सारा चेंजेस कर दिया भाई, मुझे तो पता ही नहीं चला भाई लिटरली। लिटरली मैंने अपना पसंदीदा टीम लिया है, पर पहला पसंद था केकेआर है, उसके बाद है आरसीबी, उसके बाद है सीएसके, उसके बाद एमआई। अब तो भाई आरसीबी एलिमिनेट हो चुके हैं, केकेआर भी एलिमिनेट हो चुकी है, अब बचे सीएसके और एमआई। पर फिर भी हम लोगों ने इस गेम के अंदर केकेआर से हम लोगों ने ऑप्शन किया है, तो आज हमारा पहला मैच है चेन्नई वर्सेस केकेआर का मैच है भाई। चलो आज पहला मैच देखते हैं, और बहुत सारा अपडेट भी आया है, स्टूडियो अपडेट और सब्स्टिट्यूशन अपडेट, तो देखते हैं भाई कौन आता है इंपैक्ट प्लेयर के हिसाब से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुई, चैनल को खोल देना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, गलती मत करना भाई, चैनल सब्सक्राइब करना जरूर बंद करना। चलो चलो भाई, पर ये तो मानना पड़ेगा आप लोगों को डब्ल्यूसीसी 3 गेम भाई सबसे आगे रहता है, मतलब एक स्टेप तो आगे रहता है, पर क्यों आगे रहता है चलो मैं दिखाता हूँ अभी भाई। चलो हम लोग आ चुके हैं अपलोड का मैच के अंदर भाई, जिन लोगों ने अगर ऑप्शन नहीं देखा जाकर देख सकते भाई, 2 दिन पहले ही अपलोड किया था, मतलब हम लोगों ने किया था केकेआर से, जाकर देख सकते भाई, बहुत ही सही ऑप्शन किया था। हार्ड, हाँ हार्ड चाहिए हम लोग को, नो मीडियम नो इजी। पर आज हमारा पहला मैच है चेन्नई वर्सेस कोलकाता का भाई, लिटरली इसका जो इंटरफेस है ना सबसे अलग है भाई, मानना पड़ेगा। अभी स्क्वाड के अंदर हम लोग को देखना पड़ेगा क्या क्या है, फैफ डुप्लेसी को हम लोगों ने ले लिया था भाई कोलकाता के अंदर भाई लिटरली। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन प्लेयर बाद में आएगा, पहले आप लोग स्क्वाड सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे चेंज स्क्वाड पहले देखते हैं कौन सा हम लोग प्लेयर ले सकते हैं, यहाँ पे एकदम रियल प्लेयर लेंगे इज्जत से। तो मेन स्क्वाड सिलेक्ट करने के बाद अभी आपके सुपर सब बोल के यहाँ पे, मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं है सुपर सब, पर हाँ फॉरेन प्लेयर नहीं ले सकते, अगर आपने मेन टीम के अंदर 4 फॉरेन प्लेयर हो गया तो सुपर सब के अंदर आप लोग नहीं ले सकते, पर मैं इन्हें इंडियन प्लेयर चूज करूंगा, जैसे विघ्नेश हो गया, तेज पांडे हो गया, ईशान शर्मा और कौन, और नहीं लेते भाई क्योंकि हमको बॉलर ही चाहिए, बैट्समैन नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं, त्रिपाठी को बाद में लूंगा। स्टेडियम में असाधारण एटमॉस्फेयर, बैटर बॉल, अरे भाई साहब इतना महंगा नहीं भाई, नहीं चाहिए मुझे कमेंट्री चाहिए, हमारा भाई आकाश चोपड़ा कमेंट्री एकदम बेस्ट है। तो चलो मैच के अंदर, इसके अंदर भाई स्टूडियो भी है भाई, कुछ पूछा मैंने कुछ। चलो मैं आ चुके हम लोग मैच ऑफ के अंदर, एनपीएल इंडिया लीग मैच वन कोलकाता वर्सेस चेन्नई, ये हुई ना भाई, देखो भाई प्रैक्टिस सेशन भाई, ये सब कितना देखने में अच्छा लगता है एनिमेशन, ये अगर रियल गेट टोटल का था तो कितना अच्छा था, पर कोई बात में आ जाए। ये स्टूडियो and we have a great panel of experts. Yeah, you are very beautiful. It's one of the most electrifying tournaments. Yeah. Your prediction of this year's edition? Yeah. Will be a thriller all the way. Kuch bhi samajh mein nahi aa raha hai, sab yeah bol diya. Let's go over and catch the live. Chalo live pitch report dikhao. दिखाओ आज पिछले पिक्चर में क्या बारिश होने वाली है, और भाई साहब अरे ऑटोमेटिक बारिश सेट हो गई कैसे भाई। और यहाँ पे आप लोग सब्स्टिट्यूशन भाई 10 ओवर के बाद ही कर सकते हो, पर पहले हेड टेल कर हेड से हटते भाई। चलो टॉस कौन जीता, देखते हैं टॉस कौन जीता आज भाई, यहाँ पे पर सब्स्टिट्यूशन भाई बहुत ही घंटा है भाई, लेकिन 10 ओवर के बाद क्यों भाई, अरे टॉस हार गए, वाह हम लोग पहले बॉलिंग करेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, तो बैटिंग का तो मुझे सब लाना पड़ेगा। पर यहाँ पे 10 ओवर के बाद ही आप लोग मतलब प्लेयर चेंज कर सकते हो, उससे पहले नहीं भाई, पर ये तो भाई जब भी मैं तब भी कर सकते हो, ऐसे क्या अपडेट है भाई। लिटरली एनिमेशन के मामले WC3 लव यू लिटरली। चलो लेट्स प्ले ऑब्वियसली, पर हाँ अभी सब्स्टिट्यूशन की बात छोड़ दो, अभी भाई एकदम फुल मैच के अंदर फोकस करिए भाई, क्योंकि मतलब मैच में ज़्यादा नहीं खेलने वाला, क्योंकि देखते भाई पहला मैच कितना जाता है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कहते होता है, तो कल तो मैं दिखा दिया था भाई कैसे हुआ था रियल क्रिकेट 22 के अंदर, और फुल मैच सब कुछ दिखाने के बाद जरूर आएगा यहाँ पे भाई। ओवर थ्रो करो यार, ओवर थ्रो मतलब थ्रो ठीक तरह से करो, ओवर थ्रो मत करो यार, मर जाऊंगा नहीं तो। लिटरली जरूर थे पर मतलब इस बार भाई राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलता है, पर अगर चेन्नई में होता मौका मिलता तो जरूर अच्छा परफॉर्मेंस करता। एनर्जेटिक बॉलिंग हो रहा है हमारे रन रसल की यहाँ पे, ओ भाई छाबी सिक्स है यहाँ पे, सिक्स देखने के बाद भाई लिटरली मुझे बहुत हंसी आता है, मतलब सिक्स में लगता है यहाँ पे बैट से रॉकेट लॉन्च हो रहा है, वाह क्या सिक्स है, चेन्नई अच्छा खेल रहे भाई, मतलब हार्ड मोड खेलना उतना भी इजी नहीं होता है। अरे आउट, पहला विकेट आ चुकी है हम लोगों को कैच विकेट पर, यहाँ पे तो विकेट मतलब स्टंप विकेट मिलना बहुत मुश्किल है यहाँ पे भाई, जर्सी लिटरली बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भाई, लिटरली मानना पड़ेगा। यस नहीं भाई ज्यादा कुशल कुछ नहीं करूंगा, मतलब चैट वैट टूट जाएगा नहीं तो, पहले भी ऐसा हो चुकी है यहाँ पे, वाह लिटरली स्टेडियम का भाई यहाँ से स्ट्रक्चर एकदम बढ़िया लग रहा है भाई, जरूर वापस। चलो कोई बात नहीं, मौका मिला खेल नहीं पाया, अभी कौन आएगा, पूजा रहा ये बैन स्टोक्स, सिर्फ 4 रन दिया अभी तक, पहला बार सब कुछ खरीद लिया हम लोगों ने भाई, कैच इट ड्रॉप नहीं खाई, कैच इट व्हाट ए इनिंग्स भाई लिटरली बॉल पूरा स्लो मोशन में हवा में आया, उसके बाद हाथ में आ गई 1 रन कैच बैन स्टोक्स का, कमाल कर दी भाई।
चेन्नई से चुनरिया करके हम लोगों ने बसों खरीदिया और चेन्नई के पे कर दी। अंबाजी नायडू ट्विटरी 3 विकेट ले लिया हम लोगों ने पावर प्ले के अंदर। अरे 4 रन मिल गई मेरा तो, मतलब 6 या विकेट मिलने वाली है। पर कोई बात नहीं, छोड़ो इनिंग्स को शुरू कर, उन लोगों को रन बनाने तो तभी तो मजा आएगा हम लोगों चेस करने में। यहाँ पे फील्डिंग तो खोल दिया है, फिर भी यहाँ पे विकेट का नामोनिशन नहीं है यहाँ पे। पर फिर भी हम लोग भाई बहुत अच्छा रन, मतलब अच्छा डिफेंड, मतलब रन को दबा कर रखे यहाँ पे। रन आउट, आउट है, यस, कुछ भी करके हम लोग को विकेट मिल जाए यहाँ पे। और ये चीज यहाँ पे लगता है आज हम लोग को और इंपैक्टर की जरूरत नहीं है। अबे साले, ये 10 ओवर का भाई लास्ट बॉल है, इसके बाद चेंज करने का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। मतलब एआई पूछेगा आपको, मतलब गेमी पूछेगा चेंज करने का, मतलब इसके बाद तो चेंज नहीं कर सकते आप लोग, तो जब पूछेगा तब भी चेंज कर सकते। ये मुझे सबसे डिसअपॉइंट लगा, मैं जब भी चाहूँ जब भी चेंज कर सकता भाई। गेम पर जब पूछेगा तब क्यों भाई, मुझे बताओ। ये तो जैसे मैं सिलेक्ट किया बॉलर को उमेश यादव को, अभी कौन से प्लेयर को मैं चेंज करूँ? अभी मुझे चेंज करने का ऑप्शन मूड नहीं है। बैटिंग के टाइम मैं चेंज कर सकती हूँ, ये देखो कैंसिल। हाँ मैं भी कैंसिल करता हूँ, पर चेंज करके मैं दिखाऊंगा सेकंड इनिंग्स के अंदर। चलो आज भाई सब लोग, भाई सब लोग यहाँ पे रन आउट होते जा रहे हैं यहाँ पे। चलो बहुत अच्छा किया, धोनी को भी आउट कर दिया हम लोग। आई थी सॉरी, धोनी तो इस टीम पे है ही नहीं यहाँ पे। धोनी चला गया हैदराबाद, आई थी हैदराबाद या राजस्थान या बेंगलोर के अंदर टीम के अंदर गई है भाई। रन आउट हो सकता है, दो रन ले रहा, रन आउट, रन आउट ये हो सकता है। अरे देर कर दी, रन आउट हुआ था यार। तो लगता है ज्यादा रन ये लोग नहीं कर पाएंगे, 120 के करीब कर पाएंगे। ओ भाई साहब लास्ट के 3 ओवर आते ही भाई सिक्स बनाना चालू कर दी। लिटरली ये एक्चुअली होता है गेम एकदम स्लॉट में पार्क किया, पार्किंग लॉट पे भाई इतना डांस मत करो यार, सख्त नहीं हो कभी भाई। गौतम जी क्या मार रहे हैं भाई, 16 रन थे इस ओवर के अंदर। भाई साहब मारने गए थे, बॉल टेकअप करने वाला था, हम लोगों ने खींच लिया उसका पहिया। चलो विकेट मिल गई, पास में था फील्डर भाई, बच गया, नहीं तो ये भी 6 रन होता है गौतम टाटा। लास्ट बॉल हमारे इस पहला इनिंग्स के यहाँ पे। चेन्नई ने तो कुछ अच्छा बल्लेबाजी नहीं किया, ये तो मतलब बहुत ही कम रन है हम लोग के लिए, तो हम लोग आराम से कर लेंगे। ये 2 रन लिया है क्या? हाँ आई थिंक 2 रन ले लिए लोगों ने, तो 139 रन आई थी, 138 रन किया सॉरी यहाँ पे। चलो पहला इनिंग्स खत्म हो चुका है, मैं बोल दूँ इसके बाद जब ये सेकंड इनिंग्स के अंदर 10 ओवर होगा तो तब भी चेंज करना एक ऑप्शन आएगा सब्स्टिट्यूशन का, तब भी चेंज कराना, नहीं तो बाद में और ऑप्शन नहीं आएगा। इस गेम का यही मतलब डिसअपॉइंट लगा मुझे, देखते हैं चलो कौन जाएंगे उधर चुके। अरे भाई ये चीज़ भी सबसे अच्छा लगता है यहाँ पे ऑडियंस का, ये जो लिटरली भाई अगर, और उसके बाद तो मैक्सिमम वेव भी है भाई, लिटरली मजा आ गया। इसको बोलते हैं रोड टू ग्लोरी। मैंने अनलॉक करने का सिस्टम सबको दिखा दिया था, जगह देख सकते हो भाई, नहीं तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब, फॉलो कर, तो मैं बोलते रहता हूँ भाई कैसे अनलॉक करना होता है। चलो अभी पी दुबे भाई यहाँ पे, मतलब कॉन्सेप्ट यार क्या नाम पे है वो समझना थोड़ा मुश्किल है भाई, पर मैं यहाँ पे पहचान पा रहा हूँ हमारा शुभमन गिल जेसन रॉय है, तो इससे ही हम लोग लगते हैं 10 ओवर के अंदर मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि टारगेट बहुत ही छोटा है यहाँ पे और हमारे बल्लेबाज बहुत ही प्रो है। अरे टाइप का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है भाई? अच्छा टाइप तो बाद में करेंगे, जब 20 के आसपास पहुँचेंगे तब टाइप करेंगे यहाँ पे। सिंगल रन से खाता खोला शुभमन गिल भाई। पावर प्ले के अंदर हम लोग को गैप टू गैप ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। नाइस शॉट गैप में, ये 4 है, आउटफील्ड बहुत ही फास्ट है तो आराम से बॉल निकल जाएगा। 4 रन, चलो पहला 4 रन हमारे इस जेसन रॉय के बल्लू से। अभी सामने जेसन रॉय तो अरे हम लोग, अरे एलबी डब्ल्यू भी कर दी, आई थिंक एलबी है भाई। चलो फिर भी हम लोग 20 रन लेते हैं भाई, अगर हो गया तो अच्छा, नहीं हो तो अच्छा। हमारे पिचिंग बचा सकते हैं, पिचिंग से इस पर 50% इस पर करो, नहीं 50% हो गए, ये आउट है यार। 50% तो अंदर ही हो गई भाई, बॉल तो लगा, अरे यार बॉल तो 50% से ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, नहीं आउट है। अंपायर्स को दिखा जाए मतलब आउट है यहाँ पे यार, लिटरनस करना पड़ेगा। तो 2 से 2 72 विकेट गिर गया भाई लिटरली। एक कोलकाता का क्या हालत चल रहा है यहाँ पे, पावर प्ले के तो विकेट गिराता ही है। शुभमन गिल आप इसको आगे लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो मैच हार जाएंगे हम लोग, क्योंकि पहला मैच है हमारे इस टूर्नामेंट के यहाँ पे, क्योंकि मुझे कप जीतना है। पर देखो बारिश भी आने वाला है, इसके एनिमेशन भी कितना शानदार लग रहा है लिटरली, इसके लिए भाई डब्ल्यू सी अच्छा लगते हैं यहाँ पे। बारिश चमक रहा है, फिर से एक बार दिखाएंगे हम, मुझे पता है भाई जब बल्लेबाज ऊपर की तरफ दिखा गया हमें, देखो और शर्ट पे बिजली की मतलब लाइट आ रही है। चलो कोई बात नहीं, बारिश आने दो, देखते कितने ओवर का मैच होता है यहाँ पे। वेंकटेश अय्यर भाई रन तो ऐसे ही कम है, और कम हो जाएगा ओवर भी कम हो जाएगा। अरे भाई ये पागल है क्या, तब से यहाँ पे LBW होते ही जा रहे हैं, यहाँ पे ठीक तरह से खेल रहा हूँ, रिव्यू लेना पड़ेगा। ओ भाई नॉट आउट है, बच गया भाई भाई लिटरली भाई, तब से पे विकेट देते ही चले, तब से पे LBP पे विकेट मिला एक्चुअली हम लोगों को। चलो अब हम पर माफी मांगो, फटाफट से बोलो नेट आउट, इज्जत से बोला यहाँ पे खुशलाते हुए। अब बहुत जोरों का बारिश उतर चुकी है, मतलब ओवर खत्म ना होते बहुत जोरों का बारिश आ चुकी है। हम पर लोग क्या करेंगे भाई साहब, मेरे कान दर्द हो गया भाई, इतना जोर से बिजली कड़कता है भाई।
व्हाट ए गेम भाई, लिटरी इस गेम के अंदर ऐसे भी कुछ ऐड किया भाई, लिटरी मानना पड़ेगा भाई। लिटरी अभी भी धक धक कर रहा है, अभी दिल धक धक कर रहे भाई, कितना जोर से बिजली कड़का भाई, ऐसे ही तो डर लगता है। और गेम के अंदर भी ऐसे रियलिस्टिक करते हुए लिटरी डर लगता है। माय गॉड, रेन स्टॉप प्ले, अरे भाई हार्ड स्टॉप ऑक्टल। अब 66 बॉल में चाहिए 95 रन मैच आपको जीतने के लिए, थोड़ा टफ लग रहा है यहाँ पे। 4 रन मैच तो यहाँ से हम लोग को जीतना पड़ेंगे आने दें, क्योंकि पहला मैच हमारा हार जाएगा तब तक तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आरसी चुट चुटा तो हम लोग पहला मैच नहीं भूलूंगा। बहुत ही बुरी तरह विकेट गिर रहे भाई इस बॉल, पहले बॉल के अंदर विकेट गिर चुकी है भाई। हवा में असल अरे क्या हो रहा है भाई, 5 विकेट गिर गया 8 ओवर के अंदर भाई, ज्यादा बहुत रन बाकी और बॉल भी बहुत कम बचा है। अभी 10 ओवर खत्म हो चुकी है, अब यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, पर अब भी नहीं दिखाएगा जब आपका बल्लेबाज आएगा, पर हमारा चेंज कर कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि पहले चेंज करना चाहिए था यहाँ पे, पर ऑप्शन नहीं है, अब क्या करें भाई। अब लगता है चक्रवर्ती की जगह हम लाना पड़ेगा, किसी एक को खेलना पड़ेगा, क्योंकि सभी बॉलर ही है भाई, बैट्समैन सब आउट हो चुके हैं, जिस पीयूष चावला अकेला खेल रहे हैं भाई। देश पांडे को लाते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा बहुत बल्लेबाजी कर सकता है, तो इसको ही लाते हैं यहाँ पे, पर अब भी नहीं दिखाएगा, जब आपका बल्लेबाज आएगा मतलब देश पांडे आएगा तब यहाँ पे दिखाएगा, पर देखते हैं। मैं तो अपडेट तो किया गेम को, अगर दिखे तो अच्छा, नहीं दिखे तो क्या बताएं। पर लिटरली ये मैच लगते हैं हम लोग हार जाएंगे, क्योंकि बहुत बुरी तरह से यहाँ पे हम लोग विकेट गिरा दिया, 7 विकेट गिर चुके हैं भाई। बैन स्ट्रोक बचा अभी तक भाई, बैन स्ट्रोक मैच को जीता हुआ, जब भी बोलते हो मैच जीतो किसी प्लेयर को तब भी आउट हो जाता है, क्यों? पहला मैच अगर चेन्नई जीत गया फिर हमारा शुरुआत बहुत ही खराब होगा। चलो रिव्यू तो ले लिया हम लोगों ने भाई, क्या लगता है वो आउट नहीं है, इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ साहब। इस बार भी हम लोग बच गए यार, लिटरली एलबी देना नहीं आता हम पैर को। बैन स्टोक्स शॉट, क्या अरे बॉल कैसे घूम गई भाई साहब, क्या बॉल स्विंग किया भाई, क्या बॉल टर्न किया। अभी 10 ओवर खत्म हो चुके हैं, अभी देश पांडे बुलाएंगे। ये देखो हो गया सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, आराम से बच्चे के दिल में सुपर सब लिखा है यहाँ पे, कि भाई सब्स्टिट्यूशन क्या लिखता है, इम्पैक्ट क्या लिखना चाहिए था। एक्चुअली रन तो बहुत बचा है भाई, पर लास्ट विकेट बचा है भाई, एक विकेट से क्या हम लोग मैच जीत पाएंगे, ये सबसे तकलीफ बड़ी बात है। पर एक रन तो मिलेगा सिर्फ, लगता है एक रन लेके क्या फिर भी हम जीत नहीं पाएंगे, 40 सीजन अभी चाहिए भाई, और 18 चाहिए भाई, अगर ठीक ठाक जगह से निकलते हम लोग भाई कैच ना हो जाए, 4 रन और चला चाहिए, अगर ठीक ठाक से निकल दिया तो पहला मैच हमारे मुट्ठी में, चेन्नई के बाहर। कहां से कहां मैच को ले दिया, और 5 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, 6 है, यस मैच जीत गए। ओ उमेश ये तो कमाल कर दी भाई, बारिश की वजह से रन हुई कम, पर हमारे मैच के अंदर नहीं हुई है बल्लेबाजी की कम, लगा दी गम 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 गम। इम्पैक्ट प्लेयर तो कुछ खास उखाड़ नहीं पाए, पर यहाँ पे बहुत ही बेकार इम्पैक्ट प्लेयर है भाई, मतलब जैनिमेशन है, बहुत ही बेकार है, इम्पैक्ट प्लेयर है ही नहीं, सुपर सब है, सुपर सब उमेश यादव मैन ऑफ द मैच, इज्जत से भरपूर भाई। इसके अंदर सुपर सब आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट के अंदर जरूर बोलना, कुछ ना कुछ कमेंट तो जरूर करना, क्योंकि भाई मैं जानना चाहता हूँ RC20 का इम्पैक्ट अच्छा है या WCC का सुपर सब अच्छा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बोलना। और नेक्स्ट मैच हमारा किसके साथ है और कहाँ पे है वो सब लोग पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। और आज किसको सपोर्ट कर रहे हो, गुजरात को या मुंबई को, क्योंकि आज है प्लेऑफ्स 2, तो वो भी कमेंट करके जरूर बोलना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट। Okay, bye guys, thanks for watching. Love you.